मॉर्निंग जी में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। राज्य के सागर जिले में एक निजी स्कूल की आड़ में मदरसा चलाया जा रहा था, जिसका खुलासा तब हुआ जब स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। जिस स्कूल को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो असल में स्कूल है ही नहीं, बल्कि इस इमारत की आड़ में मदरसा चलाया जा रहा था। सरकार ने यहाँ स्कूल की मान्यता दी थी, लेकिन यहाँ मदरसा भी चल रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब जिले के स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से इस स्कूल में औचक निरीक्षण किया। 3 साल पहले महाराष्ट्र की एक मुस्लिम संस्था ने मौलाना आजाद मिडिल स्कूल की मान्यता MP सरकार से विधिवत ली थी, लेकिन ये मान्यता सिर्फ स्कूल की थी, जबकि यहाँ आवासीय विद्यालय चल रहा है, मतलब हॉस्टल बनाया गया है। स्कूल के पास 22 एकड़ जमीन है, जिसमें स्कूल प्रबंधन ने इबादत खाना बनाया और एक मस्जिद भी बना डाली। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 300 से ज्यादा है और आयोग ने जो दस्तावेज खंगाले उसके मुताबिक महज 20-25% बच्चे सागर जिले के हैं, जबकि 75% दूसरे जिलों से हैं या फिर दूसरे राज्यों से संबंधित हैं। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर धार भोजशाला का मामला अभी सुलझा भी नहीं है। विदिशा में नई संसद भवन की डिजाइन से मिलते जुलते बीजा मंडल को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है, एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की विदिशा में मंदिर में पूजा पाठ को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। हिंदू संगठनों ने नाग पंचमी के मौके पर प्रशासन से बीजा मंडल का ताला खोलकर पूजा करने की इजाजत मांगी, लेकिन जिला प्रशासन ने हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। जिला प्रशासन ने ASI की रिपोर्ट का हवाला देकर बीजा मंडल को मंदिर के बजाय मस्जिद बताया, जिस पर हिंदू पक्षों ने कड़ा एतराज जताया है। मंदिर ASI से संरक्षित है तो नहीं, कहीं ना कहीं उसमें केंद्र के जो ASI के नियम है वो लागू होते हैं। मुस्लिमों को तो आपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि उनको दरगाह के लिए पहले से ही जमीन आवंटित कर दी गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस विवाद से दूरी बना रहा है। सरकार की और उनकी लड़ाई है, इसमें मुसलमानों का कहीं से कहीं तक कोई मामला नहीं है। यथावत स्थिति रखने का समझौता है तो वो चल रहा है। इसके बाद एहतियात के तौर पर बीजा मंडल में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन फिलहाल विवाद थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जीनी।